बस जो इंटरफेरेंस की इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत बार पूछी जा चुकी है बोर्ड में, और इस क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्वेश्चन को पहले रीड करिए तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हिडन है और वही आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप भी मेरे साथ समझिए। कंसीडर टू स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट फिगर सच दैट, ऐसा कुछ फिगर दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन से स्लिट तक की डिस्टेंस कितनी होती है, वो डी होती है, वो आपको पहले से पता होगा, ये होती है डिस्टेंस डी। क्वेश्चन में गिवन जो भी डाटा है वो आप लिख लेंगे, गिवन दैट क्या होने दिया जा रहा है आपको, फिगर देखते जाइए और लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, जो डाटा आपको समझ में आ रहा है पहले नोट करिए। मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू स्लिट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, इन स्लिट की बीच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, वो होती है डी, जो डी डिस्टेंस होती है उसका हाफ, क्या ये इसका जो हाफ आएगा डी बाई टू, या यहां पर आएगा डी बाई टू, वो किसके इक्वल है, वो इस डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो आपको यहां क्या बताना है मुझे, यहां पर आपको ये दिया गया है स्मॉल डी बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल डी, ये आपको गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्टेंस है, यहां से देखिए क्या बोला गया, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट क्या है, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या है, वो हाफ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, जो डिस्टेंस दी जा रही है स्लिट के बीच की उसका जो हाफ है वो डी के इक्वल है, ये आपको दे दिया गया है। और क्या बोला जा रहा है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में निकालनी है, लेमडा के टर्म में निकालनी है, कब निकालनी है, व्हेन फर्स्ट मिनिमा फॉल्स ऑन द स्क्रीन, व्हेन फर्स्ट मिनिमा मिनिमा फॉल्स ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस डी, जब डी डिस्टेंस पर मिनिमा फॉल होता है, कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा स्क्रीन पर एट अ डिस्टेंस डी फॉल होता है, तो डी जो डिस्टेंस है कहां पर दिखाना है, मैं मान ले रहा हूं यहां पर जो पी पॉइंट है हमारे पास सेंटर से, वो एक्स डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, तो मुझे पता चल गया है कि इस पॉइंट पी पर जो मिनिमा फॉल हो रहा है, फर्स्ट मिनिमा फॉल हो रहा है, वो कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो मतलब ये है कि जो फर्स्ट मिनिमा फॉल होगा स्क्रीन पर एट अ डिस्टेंस एक्स इक्वल टू डी, ये कंडीशन आपको होल्ड करानी है और फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन अप्लाई करनी है, किसकी अप्लाई करनी है, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन अप्लाई करिए और एक्स इक्वल टू डी पुट करिए, फिर आपको डी की जो वैल्यू मिले लैम्डा के टर्म में वो रिजल्ट आपको बताना है। मतलब पहला ये आया कि मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, मिनिमा की कंडीशन आपको होल्ड करानी है तो पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस में मिनिमा का क्या रोल होता है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू मिनिमा की कंडीशन होती है 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो पहले तो पार्ट डिफरेंस निकाले, पार्ट डिफरेंस किस में निकालना है, दो सोर्स होंगे उनसे निकलने वाली वेव्स होंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रीन मुझे स्क्रीन पर एक पॉइंट पी बताया गया है कितने डिस्टेंस पे है, मैंने मान लिया लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने मान लिया, अब ओपी इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूं तो देखो ये डिस्टेंस हमारे पास डी है तो ये भी डी ही होगा, होगा डी, ये वाली डिस्टेंस डी ही है तो मुझे यहां पर पहुंचना है पी पर, तो एक बार यहां से आ जाइए इस जगह से पी पर पहुंच जाइए, एक लाइन ये है और दूसरी देखो पी पर पहुंचना है तो ये लाइन आप ले लीजिए, यहां से आप यहां से पहुंच जाइए, मतलब आपको एस वन पी सर्च करना है क्योंकि आपको कंडीशन निकालनी है मिनिमा की, मिनिमा के लिए क्या करना है आपको, आपको पाथ डिफरेंस चाहिए, तो क्या निकालना है, पहले मैं निकालना हूं पाथ डिफरेंस, पाथ
डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा, और डेल्टा एक्स में क्या आता है, ये आता है एस टू पी माइनस एस वन पी, और इसी को किसके इक्वल रखना है, इसको रखना है टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू। ये होती है कंडीशन फॉर मिनिमा, क्या होती है कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं अभी हटाई देता हूं, पहले मैं एस टू पी और एस वन पी निकाल करके मैं आपको पाथ डिफरेंस दिखाता हूं। देखिए पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, पाथ डिफरेंस आपको मैं यहीं पे निकालता हूं। देखिए एस वन पी की वैल्यू क्या निकलेगी, एस वन पी की वैल्यू अगर निकालना है तो इस ट्रायंगल में चले जाइए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में क्या आएगा जाके, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो देखिए ये चीज तो आपको पता है कितनी है, ये यहां से यहां तक x है और ये पूरा का पूरा d है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, इतना ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, d में से x हटा दीजिए तो d माइनस x आ जाएगा। उसको भी आप लिख लीजिए, कहीं यहां लिख लीजिए t1p इज इक्वल टू आएगा d माइनस x आ जाएगा, करेक्ट है। अच्छा इधर से जरा देख लीजिए, यहां से यहां तक कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये है आपके पास d, d में x जोड़ दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा t2p इज इक्वल टू d प्लस x आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको एक वैल्यू ये चाहिए थी, एक वैल्यू ये चाहिए थी, यहां जरूरत है, तो देखो क्या आ गया, ये आएगा s1t1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा t1p का स्क्वायर। तो s1t1 कितना है, d का स्क्वायर है, प्लस t1p कितना है, t1p जो है d माइनस x है, तो d माइनस x का स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर हो गया। यहां से स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या आएगा, s1p इज इक्वल टू आ जाएगा ये d स्क्वायर प्लस d माइनस x का स्क्वायर और पूरे का पावर रहेगा 1/2। ऐसे ही मैं ले सकता हूं इसके लिए s2p की वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा s2p का स्क्वायर कर लीजिए, जैसे ही s2p का स्क्वायर करेंगे तो ये और प्लस ये टर्म, तो आ जाएगा कितना s2t2 का स्क्वायर प्लस t2p का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यहां से देखो आपको इसकी वैल्यू तो d के इक्वल है, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस s2p की वैल्यू कितनी है, d प्लस x का स्क्वायर, ये मैंने निकाल दी वैल्यू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर देखो क्या आ जाएगा, एस टू पी इज इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, यहां तक वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए था, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या आएगा, एस टू पी डेल्टा एक्स की वैल्यू एस टू पी माइनस एस वन पी आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दोनों के डिफरेंस से वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देखो एस टू पी ये रिजल्ट माइनस ये रिजल्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का स्क्वायर और यहां से मिलेगा इसकी पावर 1/2 माइनस ऊपर कितना आएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी भी पावर 1/2 ही है। यहां तक आपको निकालना समझ में आ गया पाथ डिफरेंस। अब आपको लगानी है कंडीशन, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होता है, उसको मैं इधर लिखता हूं, देखो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होता है, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा होता है पाथ डिफरेंस जो आता है डेल्टा एक्स, वो आता है 2n-1 लेमडा बाई 2, ये होती है कंडीशन। यहां पर बात हो रही फर्स्ट मिनिमा की, किसकी बात हो रही, फर्स्ट मिनिमा की, तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू पुट करनी है 1, और देखो फर्स्ट मिनिमा कहां फॉल हो रहा है ये भी दिया जा रहा है, फर्स्ट मिनिमा फॉल्स ऑन स्क्रीन, जो फर्स्ट मिनिमा है
फर्स्ट मिनिमा फॉल्स ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस डी, कितने डिस्टेंस पे फॉल होता है, डी डिस्टेंस पर। तो यहां पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू डी गिवन है, इस चीज को अप्लाई कर दीजिए यहीं पर। तो पाथ डिफरेंस यहां दिया गया है, तो पाथ डिफरेंस में जहां एक्स है वहां पर डी पुट कर दीजिए और जहां एन है वहां वन पुट कर दीजिए। क्या रिजल्ट आ गया, देखो जैसे ही यहां पर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू डी, यहां डी डालेंगे तो देखो यहां से आ जाएगा 2d का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर और d स्क्वायर 5d स्क्वायर। तो यहां x की जगह पे कितना आएगा, ये आएगा 5d स्क्वायर और इसकी पावर है 1 बाई टू, माइनस यहां से देखो क्या आएगा, d माइनस d ये तो हो गया 0, d स्क्वायर की रूट लगा हुआ है मतलब d स्क्वायर का 1 बाई टू लग जाएगा। कितना मिलेगा जाके आगे, आगे मिल जाएगा n की वैल्यू 1, तो 2n माइनस 1 मतलब 1, मतलब यहां से आया लेमडा बाई 2 आ गया। अब आपको यहां से देखो क्या मिल जाएगा, रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, रूट 5 आएगा, रूट 5 आएगा और आएगा d, यहां से क्या आएगा, रूट लगाएंगे d स्क्वायर के अंदर रूट d स्क्वायर, तो आ जाएगा d इक्वल टू लेमडा बाई 2 आ गया। यहां से d कॉमन कर लेंगे तो रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू लेमडा बाई 2 आ गया। यहां से मैं देखूंगा तो d की वैल्यू मुझे मिल जाएगी लेमडा अपॉन और 2 मिल जाएगा और रूट 5 माइनस 1 आ जाएगा, यहां तक रिजल्ट आ जाता है। इस चीज को मैं ऐसे भी ले सकता हूं, देखो d इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2, रूट 5 को ले सकता हूं 2.23 माइनस 1, तो ये हो सकता है d इज इक्वल टू, देखो आंसर तो यहां तक भी आप मान सकते हो, आंसर तो ये भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन यहां पर अगर रूट 5 की वैल्यू पुट कर दोगे, देखो यहां से आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 इंटू 1.23 और इसको आप ले सकते हो लेमडा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2.46, ये डी की वैल्यू लेमडा के टर्म में यहां तक आ जाती है। तो देख रहे हो आप, क्वेश्चन में आपके लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ दो कंडीशन दी गई हैं, उन दो कंडीशन को आप होल्ड करा दीजिए। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि जो मिनिमा फॉल हो रहा है वो स्क्रीन पर डी डिस्टेंस पे फॉल हो रहा है, मतलब पॉइंट पी आपको फिगर में दिया गया है, इस पॉइंट पे फॉल कराना है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू डी ही पुट करनी है, ये दिया गया, और फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होल्ड करानी है, तो इसलिए ये फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 1 पुट कराने से फर्स्ट मिनिमा होल्ड हो जाएगा, और फर्स्ट मिनिमा कहां फॉल हो रहा है, डी डिस्टेंस पे हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू डी जैसे ही डालोगे आपको कैपिटल डी की वैल्यू लेमडा के टर्म में मिल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो वेव ऑप्टिक्स में इसी तरह की प्रॉब्लम जो टेक्निकल वे में बनती है पूछी जाती है और आपको आनी भी चाहिए।